गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी CW कॉपी ग्रामर पोर्शन। कल हमने पढ़ी थी क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। तो चलिए, जैसे आज हम इसमें देखते हैं क्रिया। सभी प्राणी कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। हमने जब कोई मतलब कोई भी प्राणी हो, वो कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे यहाँ पर दिया है, मोर नाच रहा है। तो मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो नाच रहा है मतलब ये कुछ काम कर रहा है। तो कुछ काम कर रहा है मतलब ये क्या हो गई? क्रिया। मीता पढ़ रही है। तो मीता क्या काम कर रही है? पढ़ाई करने का काम कर रही है। तो पढ़ रही है, ये क्या हो गई? क्रिया। सुनील खा रहा है। सुनील क्या कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। तो खा रहा है, ये हो गई क्रिया। बालक हंस रहा है। ये बच्चा हंस रहा है, तो हंसना भी एक क्रिया है। हमने इसे आपको बताया था, किसी भी कार्य में करना या होना क्रिया कहलाता है। हंसना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया होती है। तो ये ऊपर वाक्यों में जो मोटे शब्द से पता चलता है कि मोर, मीता, सुनील और बाला कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे मोर नाच रहा है, मीता पढ़ रही है, सुनील खाना खा रहा है और बाला हंस रहा है। तो सभी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो मोर क्या काम कर रहा है? नाचने का। मीता काम कर रही है पढ़ने का। सुनील काम कर रहा है खाना खाने का। और बालक काम कर रहा है हंसने का। तो नाच रहा, पढ़ रही, खा रहा, हंस रहा, इन शब्दों में किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। तो जैसे ये सब जो कुछ काम कर रहा है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ये सब इसमें काम करने का पता चल रहा है। तो ये सब शब्द क्या है? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने का जब पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे नाच रहा, तो नाच क्या हो जाएगा? ये धातु। पढ़ धातु, खा धातु, हंस धातु। तो जैसे खा, पी, गा, नाच, लिख, पढ़, हंस, रो, जाग आदि, इन धातुओं से ही अन्य क्रिया रूपों का पता चलता है। ये इसके जो शुरू के अक्षर होते हैं, इसी से पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे ना से नाच, पा से पढ़, खा से खा, ला से हाँ से हंस। तो ये सब ये मूल शब्द क्या हैं? क्रिया हैं। इन धातुओं से ही अन्य क्रिया रूपों की रचना होती है। जैसे खा से क्या बनता है? खाना। गा से गाना। लिख से लिखना। हंस से हंसना। सो से सोना। पी से पीना। नाच से नाचना। पढ़ से पढ़ना। रो से रोना। और जाग से जागना। इन अक्षरों से ही आगे का मूल क्रिया बनती है। अब कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? अपने आप होती हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो सूरज हमेशा पूरब से निकलता ही है, इसको कोई निकालता नहीं है, ये अपने आप होता है ये काम। वर्षा हो रही, वर्षा भी अपने आप होती है। नदी बहती है, तो नदी भी अपने आप बहती है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त निकलता है, हो रही है और बहती है, ये क्या है? अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। जो क्रिया काम के साथ होती है, उसको सकर्मक कहते हैं। जैसे राधा, राधिका आम खा रही है। आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? राधिका के द्वारा। तो राधिका क्या है? जो कर रही वो राधिका है, और खा रही है वो क्या? उसका क्रिया का प्रभाव है, और आम कर्म है, मतलब आम खा। तो राधिका आम खा रही है। इसमें क्या है? कर्ता, मतलब जो काम करने वाली कौन है? वो राधिका। और क्रिया क्या हो रही? खा रही है। और काम क्या कर रही है? वो आम खाने का काम कर रही है। यह क्रिया सकर्मक है, अर्थात जब कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया करती है। जब किसी के करने वाले का प्रभाव उस काम पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो
सकर्मक क्या होती है, जो किसी के द्वारा जो काम किया जाता है, तो और दूसरी होती है अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, इन क्रियाओं के कर्म नहीं होने हो रहे हैं, जैसे हर्षा सो रही है, तो हर्षा क्या कर रही है, जैसे इसमें दिया है हर्षा सो रही है। अब इसमें ये नहीं बताया कि हर्षा ज़मीन पर सो रही है कि पलंग पर सो रही, गद्दे पर सो रही। तो जिसमें कर्म का मतलब काम का पता नहीं चलता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें ये पता नहीं चल रहा ना इस क्रिया के कर्म नहीं होने का, क्या किसके ऊपर सो रही। इस वाक्य में हर्षाकर्ता पर क्रिया सो रहा है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है, हर्षा पर सीधा सोने का प्रभाव पड़ रहा है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, मतलब किसके ऊपर सो रही है इसका कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आज हमने क्रिया का पढ़ा, क्रिया जो धातु होती है उससे क्रिया शब्द बनते हैं, और क्रिया दो प्रकार की होती है। कल हम इसको CW कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।